हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ्स जो आपका रिवीजन चल रहा था उसमें आपको जो एक्सरसाइज 2.3 इसके हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, दो चार क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग फिर उन्हें करते रहना। ओके स्टूडेंट्स, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज रेक्टेंगल। कैसा करना है, रेक्टेंगल में आपको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर वन, ये वाला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज रेक्टेंगल 9, 15, 21, 38। 9, 15, 9, बी आपका 15, सी आपका 21, डी आपका 38। ओके स्टूडेंट्स, ये हैं 38 है। तो 9 को अगर हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं हम, 3 × 3, ये तो आपका एक तरह से स्क्वायर हो गया, या फिर आप इसको कर सकते स्क्वायर भी कर सकते, क्योंकि रेक्टेंगल जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है। तो इसको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, तो इस टाइप से हम इनको कर सकते हैं। तो 3 × 3 के ऐसे कर लिया हमने, 3 × 3 ऐसे। 15 है, बी पार्ट में क्या है, 15 है, तो 15 को कर लेंगे 1, यानी 3 × 5 कर लो। रो कॉलम, रो कितनी है, 3, 1, 2, 3। ओके, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि वन रो टू रो थर्ड रो थ्री रो फाइव कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम। तो ये हो गया आपका कैसा, रेक्टेंगल में हो गया। ओके, या 5 × 3 ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि 5 रो और 3 कॉलम ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसी टाइप से 21 है, तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, या फिर लिख सकते हैं 7 × 3। ओके, तो ऐसे हम लिख देंगे। तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, 3 × 7 या 7 × 3। इसी टाइप से आपका 38, तो 2 × 19 लिख लो, या फिर 19 × 2 लिख लो। ओके, तो दोनों क्या हो गए, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गए। इसी टाइप से नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज स्क्वायर। इनको स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, 144 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इनको। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 144 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड दो, 2 × 7 = 14, 2 × 4, 2 से डिवाइड दो 36, 2 से डिवाइड दो 18, अब 2 से डिवाइड दो 9, अब 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ओके, तो ये हो गया। तो 144 पेयर बना के लिखना पड़ेगा हमें, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके, ऐसे 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, इनमें से एक एक लेंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 = 12। ये हो गया। अब 12 तो आया इसका स्क्वायर रूट, तो 12 × 12 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ओके, 2 × 12 तो ये हो गया किस में कन्वर्ट, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसी टाइप से अगला वाला है 1 × 1 = 0, 1 × 1 = 0, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड दो, 2 × 6 = 12। ओके, और कितना, 0, 2 × 5 = 10, 0 अगेन, 2 से डिवाइड, 2 × 3 = 6, 0, 2 × 4 = 2, 5 = 10। अब किससे डिवाइड हुआ है, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 से कर दो, 5 × 6 = 30, 0, 5 × 5 = 25, अगेन 5 से डिवाइड, 5 × 5 = 5, 5 × 10, 5 × 5, अब 11 से कर दो, 11 × 11 = 11 × 1 तो पेयर बना लो, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो, तीसरा पेयर ये हो गया। इनमें से एक एक ले लो और इनमें से एक एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 5 × 11, तो 2 × 5 = 10, 10 × 11 = 110। तो आपका जो स्क्वायर में कन्वर्जन होगा वो होगा 110 × 110। ओके, तो ये होगा हमारा स्क्वायर में। तो इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना है कंप्लीट।
थर्ड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज ट्राइंगल, इनको ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करना है थर्ड को, तो इसको आप क्या करो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना आप। जैसे सिक्स है, सिक्स को कैसे लिखो, वन आ गया, ये टू आ गया, कितना हो गया अभी, सिक्स हो गए, वन टू थ्री, ये किस में हो गया ट्राइंगल में, ट्राइंगल ही तो बन रहा है ऐसे करके ट्राइंगल। इसी टाइप से फिफ्टीन है, ये ए है सिक्स, बी आपका फिफ्टीन है, तो पहले वन पॉइंट लिया, फिर टू पॉइंट ले लिए, फिर थ्री पॉइंट ले लिए, उसके बाद में फोर पॉइंट ले लो, अब कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उसके बाद फाइव पॉइंट, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये आप किस में हो गया ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप इनको लिखोगे। ओके, इसी टाइप से 45 है ना, आगे लिख लेना आप। क्वेश्चन नंबर फोर, आप तो इस पॉइंट में ही कर लेना, यूजिंग द पैटर्न फाइंड 899 प्लस 99, इसको पैटर्न का यूज़ करके आपको करना है कैलकुलेट। तो क्या करोगे, इसी टाइप से ऐड कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम क्या करें 899 को ऐसे लिखो प्लस इसको लिख लो 100 माइनस वन, 100 माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो 99 आएगा। अब क्या करोगे जी, अब इनको ऐड कर लो, अब इसको क्या करेंगे 899 ऐसे लिख लो आप प्लस 100 माइनस वन, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 999 माइनस वन, तो 998 हो गया। इस टाइप से ऐसे करना है आपको, ऐसे ही एक और कराते हैं 777 मल्टीप्लाई 999, तो 777 एज इट इज लिखा रहने दो, यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस वन, तो 1000 को इसके साथ ऐड करो, तो ये हो जाएगा हमारा 1777। ओके, माइनस वन, तो 1776 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से करने पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब बात कर रहे हैं इस पैटर्न की जो आपको नीचे दे रखा क्वेश्चन फिफ्थ के अंदर, स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, दो स्टेप लिखने हैं। अब देखो इसमें क्या करेगा, वन और टू को ऐड कर दिया, थ्री हो गया, अब वन टू और उसके बाद में थ्री और कर लिया इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, जो पहले थ्री था उसमें थ्री और ऐड कर दो, सिक्स हो गया, अब वन टू थ्री फोर, अब फोर तक ले गए, तो थ्री तक कितना सिक्स हुआ था, सिक्स फोर टेन हो गया, अब इसके बाद में टेन फाइव फिफ्टीन हो जाएगा। इसी टाइप से एक और स्टेप ले लो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ओके, तो 15 में 6 ऐड करोगे 21 हो जाएगा। इसी टाइप से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 21 में 7 ऐड करोगे 28 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 आपके पास पैटर्न आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ 37 हर प्लेस पे है, यहाँ 3 6 9 12, यानी कि 3 का टेबल एक तरह से बन रहा है, तो 37 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 5, ऐसे 37 मल्टीप्लाई, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 666। ओके, तो इस टाइप से ये पैटर्न कर लेना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से इनको रीड करना और अपने आप से कोशिश करना एक बार करने की। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका रिवीजन कंप्लीट होता है और आपके जो यूटी हैं कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपना रिवीजन करना अच्छे से। ओके।